हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले लाल मटर की सब्जी, विच इज़ वेरी हेल्दी। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने यहाँ पे लाल मटर को अच्छे से वॉश करके चॉप कर लिया है। साथ ही ले लिया है सॉल्ट, ऑयल, दो ग्रीन चिली, 8 to 10 करी लीव्स, 3 गार्लिक को अच्छे से चॉप कर लिया है, 2 अनियंस और हल्दी पाउडर और पेपर पाउडर। लेट्स स्टार्ट। गैस को कर लेंगे ऑन और अपनी कढ़ाई चढ़ा देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे ऑयल। और अब अपने ऑयल को अच्छे से हीट होने के लिए हम रख देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे 1 मिनट तक। हमारे गार्लिक जो है वो थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे ग्रीन चिलीज और साथ में डाल देंगे प्याज। और कड़ी पत्ता मिला लेंगे ताकि थोड़े से पिंक हो जाए। हमारे प्याज के से पिंक हो चुके हैं, तो इस पॉइंट पर हम डाल देंगे हमारे मसाले, हल्दी पाउडर और पेपर, अच्छे से मिक्स दे देंगे। और साथ ही हम इस पॉइंट पे ही ऐड कर सकते हैं नमक। इसके अकॉर्डिंगली हम ऐड कर देते हैं। और इसको अच्छे से एक मिक्स दे देंगे। एक से 1.5 मिनट तक हम हमारी हल्दी को अच्छे से पकने देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा दाल मठ। हमारे प्याज और हल्दी अच्छे से पक चुके हैं, तो इस पॉइंट पर हम डाल देंगे हमारा लाल मटर। और इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। जब ये पकेगा तो ये थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, तब हम और अच्छे से इसको मिक्स कर पाएंगे। तो अभी के लिए हम इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। एक बार इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं, हल्का सा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे 5 से 7 मिनट ढक के पका लीजिए। आपकी सब्जी रेडी हो जाएगी। हमने अच्छा सा टॉस दे दिया है, अब इसे ढककर पका लेते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं, तो हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। सो चलिए इसको सर्व करते हैं।